थोड़ा बुला देती हूँ, बोट नंबर में बोट वाले का फोन आया था क्योंकि अपना एक घंटा होने आया है। स्टार्ट कर दो आप, बता दो। देखो ये राजा का राजवाड़ी के बारे में तो मैंने वहाँ से बताया था आपको। अब जब भी इधर लोगों को बुलाना होता था तो पहले माइक तो थे नहीं, ड्रम बजाया जाता था, नगारा। ये ऊपर जो व्हाइट कलर की इमारत है इसको नगार खाना कहते हैं। जब भी लड़ाई मीटिंग का वक्त है वहाँ पे नगारा बजता था, लोग समझ जाने कि हमको राजा ने बुलाया हुआ है। अभी हमको टूटा हुआ भी दिख रहा है और आरसीसी में दिख रहा है। तो आदमी के मन में ये सवाल आता है कि राजा के हाथ का काम पत्थर में था, ये आरसीसी कैसे हुआ? तो इस किले पर ज्यादा हमले जो हुए वो सामने वाले गाँव से हुए। कौन आया था उधर? चिमाजी अप्पा, बालाजी राव पेशवे, कान्हूजी अंग्रे और ब्रिटिश राजा। ये चार राजा सामने वाले गांव से लड़ते थे। तो कान्हूजी अंग्रे की तोप का गोला इसको लग गया था, जिससे ये नगार खाना पूरा टूट गया था। ये बाद में रिपेयर हुआ, इसलिए ऊपर का बांध काम सीमेंट ईंट है, नीचे का पुराना देखो पत्थर का है। हाँ, अब ये इधर आप इसके बारे में पूछ रहे थे, इसके अंदर जो सामने व्हाइट कलर की कबर दिख रही है ये बादशाह के अपने बेटे की है, जिसका नाम सिद्धि याकूब था। और ये उसका लड़का किला बनाने के पहले 22 साल की उम्र में गुजर गया था, तो बेटे की उम्र 22 साल की थी, इसीलिए किले का हर पॉइंट 22 है। 22 एकड़ एरिया, 22 ब्रूज, 22 साल बनाने को लगे, 122 तोप, हम जो मेन गेट के सिरिया चले वो भी 22 है। तो राजा ने अपने बेटे की याददाश्त के लिए जब भी किले का इतिहास आगे बढ़ेगा 22 का लफ्ज आएगा, लोग मेरे बेटे को याद करेंगे, इसीलिए किले का हर पॉइंट 22 है। तो ये है कब्रिस्तान। तो शेर सुनो कि जब घर से हम निकले तो कुछ दिल में अरमान थे, सामने देखे तो कब्रिस्तान थे, जब पैर गिरा हड्डियों पर उनके भी बयान थे कि संभल कर चला रहे नादान, कभी हम भी इंसान थे। वाह। और अब इधर देखो कैसा राजा था आपके सामने नमूना। ये राजा का राजवाड़ा ब्लैक दीवार से खत्म होता है, इसके बाजू की टूटी हुई दीवार यहाँ पे था गणेश मंदिर। एक मुस्लिम राजा ने गणेश मंदिर को अपने राजवाड़े के साथ बनाया था, उसी मंदिर को लगकर किले की जामा मस्जिद को बनाया था। ये मंदिर मस्जिद दोनों बाजू बाजू में थे, इसीलिए इधर नीचे दूसरा तालाब जो 40 फीट गहरा है। ये तालाब का पानी मंदिर में जाना है तो स्नान करके जाते हैं, मस्जिद में जाना है हाथ पर धोते हैं, वजू बोलते हैं जिसको। तो दोनों काम के लिए एक ही तालाब का पानी था। तो ये था पहले के लोगों का प्यार। तो भगवान ने हमें क्या बनाने भेजा था और हम लोग क्या बना बैठे, कहीं बम कहीं मिसाइल बना बैठे। हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। राइट राइट।